दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चुनावों की डुगडुगी बज चुकी है। संभावित उम्मीदवारों को नींद नहीं आ रही है। आप जानते हैं कि एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार खम ठोक रहे हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ही गंभीरता से टिकटार्थी लाइन में लगकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर हर घर पर मत्था टेक रहे हैं, जो उन्हें टिकट मिलने में दिलाने में मददगार हो सकता है। तो उन स्थितियों में चुनाव तो बाद में होते हैं, जीत हार तो बाद में होती है, लेकिन राजनीति की या चुनाव जीतने की पहली सीढ़ी तो किसी भी पार्टी का टिकट मिलना होता है। तो उसी स्थिति में अब अंतिम दौर में ये सब चल रहा है। वैसे तो एक दो दिन में ही या बहुत जल्द ही भाजपा, कांग्रेस सभी अपने अपने टिकट डिक्लेयर करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए भी उम्मीदवारों के लिए समय चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़कल फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वर्तमान में बड़कल विधानसभा क्षेत्र से सीमा तिरखा विधायक एवं मंत्री हैं, लेकिन जो हमें भाजपा सूत्रों से जो खबर मिल रही है, उनकी माने तो सीमा तिरखा जी को टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि सिटिंग एमएलए और मंत्री सीमा तिरखा का बड़कल फरीदाबाद विधानसभा सीट से टिकट कटता है, तो फिर उनकी जगह कौन? दोस्तों, इसी बड़कल विधानसभा सीट के लिए अभी एक बड़े नाम का खुलासा हुआ है, जिनकी चर्चा तेजी से राजनीतिक क्षेत्रों में हो रही है, और वो नाम है बीआर भाटिया के। यदि सीमा तिरखा को टिकट नहीं मिला तो उनकी जगह एक और खिलाड़ी का नाम सामने आया है, ये हैं उद्योगपति बीआर भाटिया, जो भाजपा समर्थक हैं, और संभवतः यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, बड़े उद्योगपति हैं, और फरीदाबाद शहर में उनकी अच्छी पैठ है, अच्छी साख है। और यदि हम ये कहें कि पंजाबी समाज में भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन बड़कल विधानसभा सीट से ही एक और उद्योगपति हैं, श्याम सुंदर कपूर। वो पहले एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हैं, और उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अखबारों में विज्ञापन देके, स्थानीय चैनलों में बयान देकर दावा ठोक दिया है कि मैं बड़कल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा और सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर चल रहा है, मुझे टिकट मिलना तय है। ये दावा श्याम सुंदर कपूर कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम है, वो है धनेश अदलखा। धनेश अदलखा भी
राजनीति के धुरंधर है फरीदाबाद की, वो पार्षद खुद रह चुके हैं, उनकी माँ भी पार्षद रही हैं, और राजनीतिक गलियारों के बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं। साम दाम दंड भेद से वो अपना काम कराना जानते हैं। दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है कि वे सत्ता के गलियारों के वो उन सब तौर तरीकों को जानते हैं जिनसे सत्ता के साथ नज़दीकियां बनाई जाती हैं, नेताओं के साथ संबंध बनाए जाते हैं, और किसको कैसे राजी किया जाए, वो सब मसाला उनके पास है। वो मनोहर लाल खट्टर जी जो सैनी जी से पहले थे, उनके साथ भी उनके करीबी संबंध रहे हैं, कृष्ण पाल जी के साथ भी उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन उनका नाम नगर निगम के घोटाले में भी आया था, वो उनका सैड बैक है। लेकिन उस घोटाले में नाम आने के बाद वो कहा जाता है कि खट्टर जी से नज़दीकियाँ होने के नाते, कृष्ण पाल केंद्रीय मंत्री जी से नज़दीकी संबंध होने के नाते, वो मामला फिलहाल तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो वो भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो बड़कल विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, वो दूसरे क्षेत्र के निवासी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टिकट तो कई और भी लाइन में लगे हैं, लेकिन ये जो मैंने नाम बताए हैं ये प्रमुख हैं, और जो ये डंडे बैनर और बोर्ड वगैरह शहर में लगवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो इन लोगों को आश्वासन मिला ही होगा। लेकिन जो इनमें चौंकाने वाला जो नाम आया है वो बीआर भाटिया का है। राजनीति में उनका नाम कभी नहीं आया, चुनाव लड़ने वालों की सूची में उनके नाम की कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से भाजपा में अचानक उम्मीदवारों को आसमान से छोड़ा जाता है, उम्मीदवारी ऊपर से हाई कमान तय करता है, तो उस लिहाज से जानकार और भाजपा के सूत्र बीआर भाटिया जी की भी मतलब दावेदारी को बहुत मजबूती से देख रहे हैं। तो दोस्तों, देखना यह है कि यदि सीमा त्रिखा जी का टिकट मिलता है तो किसकी लॉटरी खुलेगी, वो बीआर भाटिया होंगे या श्याम सुंदर कपूर होंगे या धनेश अदलका होंगे या कोई और भी चौथा पांचवा नाम चौंकाने वाला आ सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का आकलन जो मैंने बड़कल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आपके सामने रखा है। आप अपना कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप कैसा मानते हैं, आपके लिहाज से ये सही लगता है या नहीं लगता है। कृपया कमेंट्स करके हमें बताते रहें जिससे हमारा भी ज्ञान वर्धन होता रहे, क्योंकि जनता के बीच भी बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।